ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे भारत की इस धरती पर ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए जिसके एक तरह से आप समझिए कि जिसे दुनिया जानती है, जिन लोगों ने दुनिया को एक तरह से बदल दिया है। अब उनमें से आप देखेंगे महात्मा गांधी साहब को, देख लीजिए आप लोग, कि भले ही हमारे देश में कई लोग उनके उनका सम्मान ना करते हो, लेकिन आज भी आप देखेंगे दुनिया उनका सम्मान कर रही है। उनके नाम पर कई देशों ने उनके नाम पर टिकट एक तरह से जारी किए हुए हैं, कई देशों में उनकी मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। फिर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विवेकानंद, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे लोग, नेता सुभाष चंद्र बोस साहब, उन्हीं में से एक आप समझिए कि एक और है आपके, जो आप देखते होंगे कि रामानुजन साहब, और 22 दिसंबर को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह का टॉपिक कभी आता है अगर, तो आप तो देखेंगे कि वनडे एग्जाम में आपका डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएगा, या आपका कहीं विचारधारा इनकी पूछ ले, ठीक है, जब आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हो तो इनके बारे में जो भी फैक्ट हुआ करेंगे याद रखा करिएगा। और वैसे देखिए परीक्षा के में पूछा जाए या ना पूछा जाए, अब समझिए आज से 10-50 साल 100 साल बाद आप समझिए आज का इतिहास लिखा जाएगा। क्या उस समय नरेंद्र मोदी साहब के बारे में उस समय की जनरेशन जो भी होगी उसे मालूम नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं परीक्षा में भली आए ना आए, कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हुए, समझ रहे हैं आप लोग, कि हमारी इस धरती ने कैसे कैसे लोगों को एक तरह से जन्म दिया। रामानुजन के बारे में बात करूं अगर हम लोग, तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुंभकोणम में उनकी मृत्यु हो गई थी। और याद रखिए इससे पहले जितने भी आपके महापुरुष हुए हैं, जो भी भारत की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम इतिहास में कुछ योगदान रहा है, उन सब की बायोग्राफी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर चाहे आपके अभी राष्ट्रपतियों की बात करें, प्रधानमंत्रियों की बात करें, जो भी चर्चा में व्यक्ति रहते हैं उनकी बात करें, तो इन सब की बायोग्राफी कवर हो चुकी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, बायोग्राफी के नाम से आपकी एक सूची बनाई हुई है, उसी में डली हुई है। तो याद रखना है आपको कि 22 दिसंबर 1887 को, आप सभी जानते होंगे कि 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उनके 2 साल बाद यानी कि 87 में इनका जन्म होता है, और 32 साल की उम्र इन्होंने गुजारी, और 26 अप्रैल 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। अब एक बात आप लोग यहां से सीख सकते हैं कि कहते हैं ना कि मैं कहता हूं जिंदगी 10 दिन की हो, लेकिन कम से कम उसमें कुछ ऐसा करिए कि जो इतिहास में दर्ज हो जाए, क्योंकि आप समझिए कि 200 साल जीने से अच्छा है कि 2 साल जिया जाए, सही है ना कि नहीं है? अब मालूम चला कि हमने 500 साल जी गए या 250 साल हमारी जिंदगी रही, उसमें हमारा कोई नाम नहीं है इतिहास में, क्या मतलब रह गया? आप उस समय भी समझ सकते हैं कि 13-14 साल में कई लोग शहीद हो गए देश को आजाद कराने की, और उस समय भी हजारों लाखों करोड़ों लोग उस समय भी पैदा हो रहे होंगे, हर किसी का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। तो आपके कर्मों, आपके कामों की वजह से आपको इतिहास में याद रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जीना जीना में फर्क होता है, तो आप लोग दोनों में फर्क करके सीखें। रामानुजन ने काफी कम उम्र में ही गणित का कौशल हासिल कर लिया था, मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की एक छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष यह छात्रवृत्ति वापस ले ली गई उनसे, क्योंकि वे गणित की तुलना में किसी अन्य विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यहां से आप लोग एक भी सीख सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, कोई भी काम हो सकता है, किसी से रिश्ते निभाने की बात हो या किसी से कोई भी व्यवहार हो या आप कोई पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 100% दीजिए, हार होती है जीत होती है ये बात की बात है, लेकिन कम से कम आप में अपने आप में तो कोई अफसोस तो नहीं रहेगा कि हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1913 में उन्होंने वेटेस गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए वो, और आप देखेंगे कि 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन भी हुआ। रामानुजन बेटन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, ये भी याद रखिए।
गणित में अगर योगदान की उनकी बात करें तो सूत्र और समीकरण रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 कितना 3900 परिणामों समीकरणों और सर्व समीकाओं का संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी और उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। फिर आप देखेंगे खेल सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फिर आप बात करें रामानुजन की पुस्तक के बारे में तो वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में विकसित भी किया गया है। अगर रामानुजन नंबर की बात करें तो गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी कि 1729 को माना जाता है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1229 10 और 9 के घनों का योग है और 10 का घन 1000, 9 का घन 927। इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। 1729 12 और 1 के घनों के योग का भी है। 12 का घन 1700 आपका 28 और 1 का घन कितना है 1 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त हो गया है। तो पूछ सकता है इस तरह का कि इनसे कौन सा जुड़ा हुआ है या 1729 किससे जुड़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लेता है। उनके अन्य योगदान की बात करें तो रामानुजन के अन्य उल्लेखनीय योगदानों में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल और मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत भी आदि भी शामिल है। ये भी उन्हीं का योगदान है एक तरह से, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि देखिए हमारे जो भी महान पुरुष रहे एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी हो या उससे पहले आप समझ सकते हैं या उससे पहले और चले जाइए प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक साहब, आप देखिए चाणक्य साहब, भगवान बुद्ध, फिर चाहे महावीर स्वामी, इन सबसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलना। बस अपने आप को इतना खाली रखिए कि सीख सकें, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को महान समझने लगें और आपको लगे कि सब कुछ किसी से कुछ नहीं सीखना है, मैं पूरी तरह से भरा हुआ हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए इनके बारे में जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं चर्चा में रहते हैं और उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, ठीक है।